भाई यार देखो, जब भी कोई न्यू कार लॉन्च हो रही होती है तो सभी कंपनियां जो है वो अपनी न्यू कार को पब्लिकली रोड्स पर टेस्टिंग कर रही होती हैं, और टेस्टिंग के दौरान इन पर एक अजीब सा रैपिंग पेपर आपको चढ़ा हुआ दिखेगा जिसको बोलते हैं हम कैमोफ्लाज। ये क्या करता है, ये कार की लाइंस हुई, कार के डायमेंशन हुए, और काफी हद तक लगभग पूरे डिजाइन को जो है वो कार के छिपा लेता है। लेकिन अब सवाल ये है कि जब कार कंपनियों के पास इतना पैसा होता है तो ये अपनी कार को टेस्टिंग के दौरान इंडियन रोड्स पर या पब्लिकली रोड्स पर क्यों टेस्ट कर रहे होते हैं, जबकि ये अपने प्राइवेट रोड्स पर जो है वो आराम से टेस्ट कर सकते हैं। ऐसा ये लोग जानबूझकर करते हैं, क्यों? क्योंकि जब भी कोई कैमोफ्लाज कार हमको रोड्स पर दिखाई पड़ती है तो अगले ही घंटे इसके काफी न्यूज आर्टिकल आ जाते हैं और काफी वायरल वीडियो आ जाती है। मतलब सभी कार कंपनियों को फ्री की पब्लिसिटी मिल जाती है, और फ्री की पब्लिसिटी के पास इनकी जो टारगेट ऑडियंस होती है वहां तक जो है वो सभी के पास न्यूज पहुंच जाती है। तो कौन चाहेगा कि भैया उसको बिना खर्च करे अच्छी खासी पब्लिसिटी जो है वो मिल रही हो? तो हर कोई कार कंपनी चाहेगा कि बिना पैसे खर्च करे हमको फ्री की पब्लिसिटी मिल जाए, तो इसलिए कार कंपनियां जो है वो ऐसा करती हैं। आज से पहले आपको यह चीज पता था तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और आप चाहते हैं कि इस तरह की वीडियो मिलती रहे तो यार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।